डन वेलकम। तो आप सबको बच्चों लोग ठीक है, टेंशन नहीं लेना एग्जाम का। अब सैलरी के ऊपर क्या शॉर्ट नोट आएगा, कैसे लिखने का, और एक बात याद रखना, कभी भी सैलरी शॉर्ट नोट आएगा ना तो एग्जाम में फॉर्मेट बना देने का, एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर है वो भी उठा के डाल दो, टेंशन नहीं लेना है। तो सैलरी क्या होता है जो हम लोग कमाते हैं, तो सैलरी मीन्स रेमुनरेशन रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम इस एम्प्लॉयर, ये लाइन याद कर लो। जो हम सर्विस दे रहे हैं तो मालिक उसके बदले अपने बंदे को पगार देता है, क्या देता है, पगार। तो सैलरी याद कर लो, ये सब सैलरी में नहीं आता है, ये दो लाइन याद कर लो ना सैलरी के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो। अब सुनो, तो सैलरी में कहाँ कहाँ आवत है, सैलरी में आवत है वेजेस, सैलरी आता है अलाउंस, DNF अलाउंस, एन्यूटी, पेंशन बोलते हैं उसको जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ग्रेचुटी लमसम अमाउंट सर्विस का, कमीशन आता है, परक्विसिट बोले तो फैसिलिटीज, मोटर कार घर देते हैं, प्रॉफिट इन लीव जो बैलेंस सैलरी, लीव एंकेशमेंट जो छुट्टी जमा होता है, एडवांस जो लिया या बोनस, ये सब सैलरी के अंदर आता है बच्चों लोग। तो तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार हो गया ना मस्त पे। परक्विसिट, परक्विसिट का मतलब फैसिलिटीज होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। बेचारा एम्प्लॉय चल के आता है कंपनी में तो मालिक बोलता है भाई तू थक जाएगा, ये ले भाई मेरी गाड़ी ले, तो पसीने मत मार तू गाड़ी में आ जा। तो ये एक तरफ से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज देता है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब घर देता है ताकि उसका भाड़ा कंपनी भरेगा। सम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन पेबल बाय SSC, SSC का खर्चा कंपनी पे करता है। लाइफ ऑफ SSC का इंश्योरेंस कराना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब शेयर्स देना, इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब लोन ले लेना, मतलब कंपनी क्या दे रही है एम्प्लॉयज़ को, कर्जा दे रही है और उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रही है। यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, जो भी एसेट मूव हो सकता है तो यूज़ कर। तो ये सब क्या होता है, किस में आता है, परक्विसिट में आता है। और टैक्सेबल अर्निंग के साथ स्पेशल एम्प्लॉय, ये सब टैक्सेबल किसके है, जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, डायरेक्टर विज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट इन कंपनी मोर देन 20%, ये सबको क्या ये टैक्सेबल है। तो जैसे कि गैस, वाटर, फ्री एजुकेशन, ये लिस्ट में आ जाता है। तो नाम याद करने का था, ये वर्ड याद था जो टैक्सेबल नहीं होता है, मतलब तो कुछ परक्विजिट जो टैक्सेबल नहीं है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाती है वो टैक्सेबल नहीं है। एनी सम पेड बाय एम्प्लॉय डायरेक्टली टू हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब कंपनी ने डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बिल पे किया, बंदा एडमिट है तो भी टैक्सेबल नहीं है। मेडिकल प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी टैक्सेबल नहीं है। टेलीफोन दे रही है कंपनी, ट्रांसपोर्ट दे रही है बिजनेस पर्पज़, तो ये सब नॉन टैक्सेबल परक्विजिट है, याद करने का था। अभी ये तुमको एग्जाम में भी आ सकता है, क्या आ सकता है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। तो क्या क्या सेक्शन 10 के हिसाब से एग्जम्पशन है, माफ़ है वटा देना है। तो सबसे पहला है ग्रेचुटी, ग्रेचुटी बोले तो जो लमसम मतलब बंदा 20 साल 30 साल काम करता है तो 30 साल की सर्विस का पैसा मिलता है। पेंशन जो जॉब छोड़ने के बाद मिलता है। लीव एंकेशमेंट, लीव एंकेशमेंट का मतलब होता है जो छुट्टी उसकी जमा होती है, मतलब वो छुट्टी रहता है तो भी काम पे जाता है तो उसकी छुट्टी जमा होती है उसका पैसा मिला। रिट्रेंचमेंट मतलब होता है कि कुछ मशीन वशीन बंद हो जाना उसके बाद उसको पैसा मिलना। PF का पैसा, हाउस रेंट, ट्रैवल का, स्पेशल अलाउंस, ये सब क्या एग्जाम्प्ट होता है किसमें, अंडर सेक्शन 10। देर इज अ सर्टन अमाउंट इज सॉरी सर्टन अमाउंट इज एग्जाम अंडर सेक्शन 10। तो क्या क्या है, जैसे ग्रेचुटी, तो ग्रेचुटी का मतलब याद कर लेता है कि ब्लैंक्स में आएगा। लमसम अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जब उसका जॉब खत्म हो जाएगा या फिर बंदा रिटायर होएगा या मर जाएगा, कम से कम 5 साल निकालना चाहिए उसके बाद मिलेगा। ओके तो ये था तुमको ग्रेचुटी का, इतना रूल्स याद नहीं करने का था, मीनिंग याद करने का था। पेंशन, पेंशन इज ए मंथली पेमेंट बाय एक्स एम्प्लॉयर, मतलब पहले कंपनी का वो बंदा था, अब वो जॉब छोड़ दिया तो कंपनी उसकी पगार 50,000 थी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आता है ना पेंशन हर महीने का 10,000 15,000। तो जॉब छोड़ने के बाद रिटायर एम्प्लॉय को कंपनी क्या करती है या गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को पेंशन देती है। तो एम्प्लॉय कैन चूज वन टाइम लमसम पेमेंट, या तो एक साथ दे या तो थोड़ा थोड़ा दे। तो पेंशन भी अलग अलग टाइप का होता है, अनकमिटेड और कमिटेड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसका टैक्सेबल, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैक्सेबल नहीं होता, जो प्राइवेट एम्प्लॉय उसका टैक्सेबल होता है, याद रखना, ब्लैंक्स में आएगा। ओके और इफ द एम्प्लॉय हैज रिसीव ग्रेचुटी, 1/3 ऑफ कमिटेड रिसीव विल बी एग्जाम्प्टेड, मतलब 1/3 उसका माफ होगा। अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिला तो हाफ अमाउंट क्या होगा उसका, एग्जाम्प्ट होगा। ओके अभी लीव एंकेशमेंट, छुट्टी का पैसा है ना, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो कैश रिसीव बाय एन एम्प्लॉय अगेंस्ट लीव, मतलब लीव अर्न बट नॉट टेकन, छुट्टी मिली थी पर बंदे ने छुट्टी में भी काम पे गया तो छुट्टी का पैसा जमा होता तो छुट्टी की पगार उसको मिलती है। ये लीव एंकेशमेंट ऑन लीविंग ए जॉब इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटायर लीव एंकेशमेंट रिसीव इन एग्जाम, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का एग्जाम्प्ट में आता है। अदर एम्प्लॉयज मतलब उसको कुछ हद तक एग्जाम्प्ट वो कंडीशन दिया है, तो कंडीशन फिलहाल अभी नहीं, तुमको शॉर्ट नोट के हिसाब से बता रहा था ठीक है। और रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एनी कंपनसेशन रिसीव बाय वर्कमैन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब कंपनी में काम कर रहा था, मशीन का ब्रेकडाउन हुआ, कुछ उसका मसला हुआ या फिर हाथ पैर लूला हो गया, तो उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, मतलब भर के मिलेगा, वो सब याद करने का था। फिर प्रोविडेंट फंड उसका कितना परसेंट है, तो एम्प्लॉयज कितना, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है 12%, और इंटरेस्ट कितना मिलता है 9.5%, इंटरेस्ट कितना मिलता है 9.5%, ये रिकग्नाइज है और लमसम अमाउंट का कोई वो नहीं है। तो ये तुमको याद करने का था ब्लैंक्स मारने के लिए। और सैलरी का डिडक्शन क्या था, अंडर सेक्शन 16 आता है, और उसका लिमिट कितना 50,000 फिक्स डिडक्शन है, मतलब 16,000 है, 50,000 फिक्स डिडक्शन है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या डिडक्शन रहता मालूम है क्या? उसको 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा, 5,000 एक्चुअल रिसीव, तो तीन में से जो छोटा रहेगा वो रहेगा, और एक प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन आता है। मतलब अंडर सेक्शन 16 में तीन डिडक्शन आते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, एक प्रोफेशनल टैक्स आता है, तुमको दो मालूम है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो ये तुम्हारा शॉर्ट नोट हो गया सैलरी चैप्टर का। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।